आभास लगान की अवधारणा का जो प्रतिपादन था वो प्रोफेसर मार्शल द्वारा किया गया। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि रिकॉर्डो के सिद्धांत पर एक प्रॉब्लम है। रिकॉर्डो ने कहा कि भूमि उत्पादन का एक ऐसा संसाधन है जो सीमित होता है, बाकी अन्य संसाधनों को इन फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है। प्रोफेसर रिकॉर्डो ने बताया कि भूमि सीमित है बल्कि अन्य संसाधन क्या होते हैं, असीमित है, अर्थात जिनकी डिमांड के अनुसार पूर्ति आप बढ़ा सकते हो। लेकिन प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि अल्पकाल वो समय होता, अल्पकाल में भूमि की तरह श्रम भी सीमित है, भूमि की तरह पूंजी भी सीमित है, श्रम की आपका भूमि की तरह शासन भी सीमित है और भूमि की तरह संगठन भी सीमित है। अर्थात इन्होंने, प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि अल्पकाल वो समय होता है जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी संसाधन सीमित होते हैं। तो जब सभी संसाधन सीमित होते हैं तो सभी संसाधनों को लगान क्यों नहीं प्राप्त होता है। प्रोफेसर मार्शल ने यह प्रश्न उठाया कि जब सीमितता के कारण, प्रोफेसर रिकॉर्डो ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया कि भूमि में लगान सीमितता के कारण ही प्राप्त होता है, तो सीमित जब उत्पादन के सभी संसाधन है, श्रम, पूंजी, साथ, संगठन, तो उत्पादन के सभी संसाधनों को लगान क्यों नहीं प्राप्त होता। तो इस पर प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि अल्पकाल में प्रत्येक उत्पादन का संसाधन सीमित होता है और इस सीमितता के कारण जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तो हम लोग इनकी पूर्ति तुरंत नहीं बढ़ा सकते, परिणाम स्वरूप हमको लगान प्राप्त होने लगता है। प्रोफेसर, यह थ्योरी प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप किया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। स्थिर साधन को अल्पकाल में, स्थिर साधन कोई भी साधन, जैसे आपका श्रम स्थिर है, पूंजी स्थिर है, शासी स्थिर है तथा संगठन स्थिर, कोई भी संसाधन अल्पकाल में स्थिर होता है, ठीक है। तो अल्पकाल में एक साधन को स्थिर होने के कारण, उसकी सीमितता के कारण हमको जो प्रतिफल मिलता है वो लगान कहलाता है, ठीक है। अचानक मैं हल्द्वानी पर हूँ और हल्द्वानी पे रात में मैं 1:30 बज रहे हैं और 1:30 बजे मैं बस स्टॉप पर खड़ा हूँ और बस स्टॉप पर मुझे जाना है बागेश्वर, मुझे बागेश्वर जाना है, तो बताइए वो टैक्सी वाला कह रहा है कि मैं 3000 ले लूंगा, ठीक है। एक नॉर्मल व्यक्ति आकर के कहता है सर वहां जाने का रेट तो मात्र 1500 रुपए है, 3000 रुपए क्यों आप मांग रहे हैं, कहोगे नॉर्मल बात है। लेकिन अल्पकाल है, रात में 1:30 बजे का टाइम है, टैक्सी की पूर्ति सीमित है, टैक्सी की पूर्ति सीमित होने के परिणाम स्वरूप ये जो 1500 ज्यादा ले रहा है ये सीमितता के कारण है कि रात का टाइम है, अन्य साधन आपके पास उपलब्ध नहीं है, परिणाम स्वरूप अल्पकाल में अब आप टैक्सी की पूर्ति नहीं बढ़ा सकते हो, इसलिए वो जो 1500 ज्यादा ले रहा है वो वास्तव में क्वाजी रेंट कहलाता है, वास्तव में आभास लगान कहलाएगा। जब कोई संसाधन अल्पकाल में उपलब्ध नहीं होता है और वो संसाधन आपसे ज्यादा मूल्य लेता है तो वास्तव में वही क्वाजी रेंट कहलाता है, वही आभास लगान कहलाता है, ठीक है। तो आभास लगान अल्पकाल में उत्पादन के प्रत्येक साधन स्थिर हो जाते हैं, यानी कि स्थिर का तात्पर्य हम लोग पूर्ति नहीं बढ़ा सकते हैं, याद रखना पूर्ति नहीं बढ़ा सकते हैं। जब पूर्ति नहीं बढ़ा सकते हैं तो वो साधन को जो प्रतिफल मिलेगा, जो मूल्य मिलेगा वो अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि उसे विश्वास नहीं होगा, अचानक आपके घर में छत बन रही हो और छत बनने के लिए श्रम की आवश्यकता, आपका कारीगर कह रहा कि जो ये आप सीमेंटेड छत नहीं डालते, सीमेंटेड छत उसमें 100 लेबर लगेंगे, आपने कहा सर मेरे पास तो 60 लेबर है, 40 कहाँ से, आप मार्केट में उतरे, आप गांव जाते हो, गांव की महिलाएं क्या कहती है, नॉर्मल रेट 200 रुपए साहब चल रहा है लेकिन आज हम लेंगे 300 रुपए, क्यों, आपने अर्जेंट हमें बुला लिया। तो ये जो 100 रुपए ज्यादा महिलाएं लेने लगी इसका रीजन क्या है, यही आपका आभास लगान है, क्योंकि उनकी पूर्ति सीमित है और उन्होंने अपने कार्यों को पोस्टपोन किया, इसलिए ये सीमितता के कारण जो हमें लगान प्राप्त होता है, जो स्थिरता के कारण लगान प्राप्त होता है, क्योंकि अल्पकाल है, दीर्घ काल में हम आपसे कहते कि आप 100 लेबर नहीं 200 लेबर हमसे ले लीजिए लेकिन 2 दिन का टाइम दीजिए, लेकिन मिस्त्री का रहकर 2 दिन का आपको टाइम नहीं देंगे। तो अल्पकाल में उत्पादन के सभी संसाधन
स्थिर हो जाते हैं और इनके स्थिर होने के कारण वो संसाधन सीमित हो जाते हैं। बाजार में जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने के परिणाम स्वरूप इन संसाधनों को अधिक मूल्य मिलने लगता है, जो अधिक मूल्य मिलता यही आपका लगान जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, क्वाजी रेंट यानी आभास लगान कहलाएगा। लेकिन दीर्घकाल में यह लगान नहीं प्राप्त होगा, अल्पकाल में ही उत्पादन के संसाधनों की सीमितता के कारण जो लगान प्राप्त होता है उसे हम क्वाजी रेंट की संज्ञा देंगे। क्लियर है? तो यहां पर यह हमारा आभास लगान कहलाता अल्पकाल। अब मैं एक एग्जांपल से देखता हूं। अल्पकाल में ये एक उत्पादक की औसत लागत है, या तथा औसत लागत के नीचे अगर आपके पास हुआ है तो औसत लागत जो हमारे पास है वो औसत लागत कैसे बनती है, औसत वेरिएबल कॉस्ट से, परिवर्तनशील लागत होती है। ठीक है, एबीसी आपने स्टडी किया होगा, औसत परिवर्तनशील लागत तथा औसत स्थिर लागत को मिला करके औसत लागत बनाई जाती है। तो जब अर्थव्यवस्था में ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, ये एबीसी है जो यू आकार की पाई जाती है, एसी है जिसमें एबीसी सम्मिलित है। अल्पकाल में हम एबीसी का अध्ययन करेंगे क्योंकि अल्पकाल में हमारे पास केवल परिवर्तनीय लागत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और दीर्घकाल में आपकी क्या होती है, दीर्घकाल में औसत लागत का अध्ययन करते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि अल्पकाल की बात है इसलिए औसत परिवर्तनशील लागत पे हम कार्य करेंगे। प्रारंभ में मार्केट में डिमांड ये रहती है और हमने क्या बोला, परफेक्ट कंपटीशन है, यानी AR इक्वल टू MR है। AR इक्वल टू MR होने के परिणाम स्वरूप हमारा संतुलन बिंदु वही E पॉइंट होगा। यहाँ पर EQ होगा क्योंकि MR इक्वल टू यहाँ पर MC है और अगर यहाँ से मैं एक लंब डाल दूं तो वास्तव में इतना उत्पादन हो रहा है, दैट इज OQ उत्पादन हो रहा है। और E पॉइंट पर AR इक्वल टू MR इक्वल टू ABC इक्वल टू MC है। ABC का मैंने कहा अध्ययन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अल्पकाल में ABC का ही अध्ययन किया जाता, अतः लगान नहीं मिल रहा क्योंकि चारों चीजें बराबर है। लेकिन मार्केट में आपकी टैक्सी खड़ी है बस स्टॉप पे और कोई ग्राहक नहीं है, ग्राहक भी आ रहा है उसको गरज नहीं है जाने के लिए, वो सुबह जाने के लिए भी तैयार है, तो टैक्सी वाला नॉर्मल रेट ही मांगेगा 1500 रुपए। लेकिन अगर आपकी डिमांड हो जाए नहीं यार मुझे चलना ही है, मुझे जरूरी है जाना, आप नहीं कहते मुझे जरूरी है, मतलब आपकी डिमांड हाई है, मैंने क्या कहा मूल्य आपको डिमांड को रिप्रेजेंट करता, आपकी डिमांड ज्यादा है, यानी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ये है, आपकी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये है, परिणाम स्वरूप इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका कहीं यहाँ पर हो जाता, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई आपका ईवन इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू 1 मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। यहाँ से लंब मैं एक डाल देता हूँ, तो लंब डालता हूँ तो उत्पादन कितना हो जाता है, Q1 उत्पादन हो जाता है। अब देखिए यदि मार्जिनल रेवेन्यू से, ये मार्जिनल रेवेन्यू से वेरिएबल कॉस्ट की दूरी को मैं तय करूं तो यही आपका क्वाजी रेंट कहलाएगा। अभी यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि आभासी लगान क्वाजी रेंट क्या है, तो याद रखना आगम से, ठीक है, आगम से औसत परिवर्तनशील लागत की दूरी क्वाजी रेंट कहलाती, कभी भी याद रखना आगम से। जैसे प्रोफेसर कीन्स ने क्या कहा, प्रोफेसर रिकॉर्डर ने क्या कहा कि रेंट बराबर एपी माइनस एमपी, यही कहा था, यानी ओवर मार्जिनल लाइन से मार्जिनल लाइन की प्रोडक्टिविटी को माइनस कर दोगे आपको निकल आएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्वाजी रेंट आभास लगान को निकालने के लिए जो ये आगम रेखा होती दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इससे परिवर्तनीय लागत यानी औसत परिवर्तनशील लागत को माइनस कर दीजिए, जो मैंने यहाँ पे माइनस किया, तो ये आपका क्वाजी रेंट का पार्ट हो जाता है, दिस इज क्वाजी रेंट, यही आपका क्वाजी रेंट है। मार्केट में डिमांड और बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ करके क्या होता है, कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है, डिमांड और बढ़ जाती है, P2 हो जाती है। डिमांड जब P2 हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप नया हमारा संतुलन बिंदु जो हो जाता है, नया संतुलन बिंदु कहीं यहाँ पर हो जाता है, दैट इज E2 पर। यहाँ पर देखिए कि MR इक्वल टू MR2 इक्वल टू MC है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर AR2 इक्वल टू MR2 हो जाता, मांग बढ़ने से हम रेड लाइन पर आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर हो जाता है, और इससे अगर मैं एक लंब रेखा नीचे की ओर ड्रा करता हूँ तो उत्पादन बढ़ करके Q2 हो जाता,
अब देखिए ये पोर्शन जो औसत परिवर्तनशील लागत तथा एमआर के बीच का अंतर है ये कहलाएगा क्वाजी रेंट कहलाएगा। तो केवल तब तक क्वाजी रेंट मिलेगा जब तक कि हम औसत लागत को नहीं टच करेंगे। अब देखिए औसत लागत टच कर लिए यानी केवल क्वाजी रेंट मुझे इसके बीच मिलेगा। किसके बीच? आपका औसत परिवर्तनशील लागत एबीसी और एसी के मध्य ही हमें क्वाजी रेंट मुझे प्राप्त होता है। जैसे मैं औसत लागत को क्रॉस करूंगा ये दीर्घकाल टाइम हो जाएगा और दीर्घकाल में केवल रेंट मिलता ना कि क्वाजी रेंट। तो ये प्रोफेसर मार्शल ने कहा क्योंकि अल्पकाल है और अल्पकाल में उत्पादन के संसाधनों की पूर्ति सीमित होती है इसलिए मुझे इस प्रकार का लगान प्राप्त होता है। अब हम अगर डिस्कस करते हैं कि एक और डायग्राम से डिस्कस करते हैं, मान लीजिए एक संसाधन एक टैक्सी है, ये टैक्सी की पूर्ति है, ये टैक्सी है ए टैक्सी, ये कोई ए है इसकी ये पूर्ति है, ए टैक्सी बस स्टॉप पे खड़ी है, मेरी डिमांड क्या है इतनी, ये मेरी डिमांड है तो मैं प्राइस कितना दूंगा, ओपी प्राइस देने को तैयार, ठीक है। अभी अब मार्केट में मेरी मान लो डिमांड बढ़ जाए, मैं कहता हूँ नहीं मुझे अभी बागेश्वर चलना है और टैक्सी एक ही है तो ऑटोमेटिक आप जानते हो रेट बढ़ा देगा, तो ये जो रेट बढ़ाया है यही क्वाजी रेंट होगा। लेकिन अगर दूसरा टैक्सी वाला आ जाता मेरे डिमांड बढ़ाते ही, दूसरा टैक्सी वाला आ जाता, मान लो एक टैक्सी वाला और आ जाता, तो मैं संतुलन बिंदु जो ए पॉइंट पर था जो अब बी पॉइंट पर हूं, अगर एक टैक्सी वाला और आ जाता तो मैं बी पॉइंट पर ना जाकर के मैं सी पॉइंट पर चला जाता और दूसरे टैक्सी वाले से इसी रेट से मैं बागेश्वर चला जाता। तो अर्थव्यवस्था में ये कंडीशन नहीं पाई जाती क्योंकि अल्पकाल है अर्थात दूसरा टैक्सी वाला अवेलेबल नहीं है, सेकेंड टैक्सी वाला अवेलेबल नहीं है, अर्थात ये अर्थव्यवस्था में कंडीशन उपलब्ध नहीं है, परिणाम स्वरूप मेरे डिमांड बढ़ने के कारण जो मूल्य बढ़ जाता है यही क्वाजी रेंट कहलाता है। यही प्रोफेसर मार्शल ने कहा, ये थ्योरी क्वाजी रेंट की प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप किया। प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि आगम में से यदि औसत परिवर्तन की लागत को घटा दोगे तो आपको क्वाजी रेंट या आभास लगान प्राप्त हो जाएगा। अल्पकाल में इन्होंने कहा अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधन स्थिर होते हैं और स्थिर होने के कारण ये सभी साधन सीमित होते हैं और ये सीमितता के कारण जो लगान प्राप्त होता है, जो आपका लगान प्राप्त होता है वो आपका क्वाजी रेंट कहलाएगा। दैट इज मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक का ये मेन पॉइंट